हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय अदर वीडियो ऑल टर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है जहां मिल लिया इस्लामिया बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट नंबर सिक्स की सेकंड पार्ट है ये, जिसका नाम है चैप्टर का द फंक्शन ऑफ स्टेट एंड नेचर ऑफ द स्टेट लिबरल और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मतलब इस तरह से उसका नाम है चैप्टर का, जिसमें बताया जाता है कि लिबरल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग नेचर स्टेट का और वर्क क्या है, और साथ ही साथ जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्टेट है उसका क्या रोल है, क्या उसको काम करना होता है, किस तरह से वो काम करता है डिफाइन किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे कहाँ से स्टेट को अगर यहाँ पर आप देखें तो एक ये चैप्टर है, साथ में एक चैप्टर नंबर 11 भी यहाँ पर आता है, यूनिट नंबर 11 है, वो भी बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल थोड़ा बहुत फ़र्क है, थोड़ा बहुत फर्क के साथ बाकी दोनों चैप्टर जो है सेम है यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को यहाँ पर ये देखा जाता है जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स जो थे, उनकी जो हम कहते हैं कि जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी की सारी ही लिबरलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। वो जो मार्क्सिज्म है जिसका ओरिजिन जो हुआ है वो हुआ ही मार्क्सिज्म लिबरलिज्म के खिलाफ है। यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म इमर्ज एज द काउंटर वेट एंड सपोर्टेड एज क्लासेज एंड क्लास लेस सोसाइटी। क्या है कि मार्क्सवाद जो है वो काउंटर वेट करते हैं किसको, लिबरलिज्म को, और फिर सपोर्ट करते हैं यहाँ पर क्लासलेस स्टेट को और क्लासलेस सोसाइटी को, मतलब जहाँ पर कोई भी क्लास नहीं होगी। जैसे कि हम कार्ल मार्क्स के बात करते हैं इस बारे में कि समाज में दो क्लासेस होती हैं, देखते हैं बता दूंगा मैं इस बारे में भी आपको। द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट द स्टेट इज फॉलो, क्लास डिस्क्रिमिनेशन द कॉजेज ऑफ ओरिजन ऑफ स्टेट, मार्क्स डज नॉट एक्सेप्ट ऑल द थ्योरीज अबाउट द ओरिजन ऑफ द स्टेट विच हैव बीन प्रोपाउंडेड बिफोर हिम अबाउट द ओरिजन ऑफ द स्टेट। कार्ल मार्क्स से क्या की थ्योरी है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो बात की जाती है, कार्ल मार्क्स बात करते हैं क्लास स्ट्रगल के ऊपर, सारी बात होती है इनकी यहाँ पर। क्लास स्ट्रगल समाज के अंदर होता है, दो समूह होते हैं यहाँ पर, पहला होता है प्रोलेटेरियट, इसको हम कहते हैं हैफ प्रोलेटेरियट, यानी कि गरीब तबका, जो मजदूर तबका होता है, और जो दूसरी क्लास होती है वो होती है बुजुर्गवा क्लास, जिसे बोर्गेस क्लास बोला जाता है यहाँ पर, जो कि हैफ होती है, जिसके पास पैसा होता है और जो फैक्ट्रीज़ के कंपनीज़ के मालिक होते हैं, जो कि और उन्हीं के बेस पर वही यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स या फिर मार्क्सिज्म जो है उसके अकॉर्डिंग वही लोग राज्य का निर्माण भी करते हैं, राज्य को बनाते भी हैं, ओरिजिन उनके से ही होता है, और वो राज्य को ऐसा टूल इस्तेमाल करते हैं जो गरीब तबका है जिसको हम प्रोलेटेरियट कहते हैं, उनका दमन करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और मार्क्सिज्म के अंदर कहीं से भी ये नहीं कहा जाता है कि जो स्टेट है वो नेचुरल एसोसिएशन है, वो मानते हैं कि स्टेट को जो बुजुर्ग वर्ग है उसने बनाया है जो गरीब तबका है उसका शोषण करने के लिए, ताकि वो लॉज बनवा सके स्टेट से अपने फ़ायदे के लिए, और जो गरीब तबका है उसको कुचल सके यहाँ पर। ठीक है, और कोई थ्योरी ऐसी नहीं होती जिसको कार्ल मार्क्स मानते हों दुनिया के बारे में कि स्टेट इस तरह से बना। ठीक है, काफ़ी अच्छा समझा दिया मैंने आपको बैकग्राउंड, अब चलते हैं आगे इसकी तरफ। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट व्यू द स्टेट नाइदर इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूट नॉर अ मॉरल इंस्टीट्यूशन एज द आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट होल्ड। ना तो स्टेट इनके अकॉर्डिंग नेचुरल है, न यहाँ पर मॉरल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कोई जिसमें हम कहते हैं मॉरलिटी होती है, कोई इंसान में नैतिकता होती है, उस तरह का भी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि दमन करता है राज्य इनके अनुसार। मगर अगर ये हम देखें आज के टाइम में तो कुछ हद तक है भी, कुछ हद तक नहीं भी होता, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि आज के जो स्टेट हैं वो वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पर पब्लिक वेल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो, और जो एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि उसके जो फेजेज़ हैं मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग, जो कि नया सिस्टम निकल के आते हैं, इसको हम कहते हैं न्यू मार्क्सिज्म, वो भी इसमें खामियाँ निकाल लेते हैं यहाँ पर इस चीज़ को नहीं मानते उस तरह से। द स्टेट इन आर्टिफिशियल डिवाइस एंड डज नॉट रिगार्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ मासेज, ऑल्सो रिकॉन्सिलेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। मार्क्स ओपिनियन ऑन द ओरिजन ऑफ द स्टेट दैट द ओरिजन ऑफ द स्टेट इज ड्यू टू मटेरियल एंड इकोनॉमिक रीजंस। ये समझाता हूँ मैं कैसे तरह से होता है। देखिए, तो सिचुएशन जो स्टेट है ये मानते हैं कि स्टेट क्या है, आर्टिफिशियल डिवाइस है, ठीक है, तो मानने का है ही है। मगर ये नहीं कहते हैं कि जो स्टेट है आर्टिफिशियल तो है, मगर समाज के हर वर्ग ने इसको नहीं बनाया, समाज का एक छोटा तबका है जिसको ये बुजुर्ग वर्ग कहते हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं उन्होंने स्टेट को बनाया है किसी लिए, ताकि वो अपने फ़ायदे के लिए स्टेट को इस्तेमाल कर सकें,
स्टेट से रूल बनवा सकें, स्टेट के जो रूल्स बनेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे जो गरीब तबका है उसका शोषण करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। और जो मार्क्स का जो हम देखते हैं स्टेट के जो ओरिजिन को लेकर जो उनकी थ्योरी है या उनका जो फिर व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन है, वो इस तरह चलता है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं हिस्ट्री के अंदर अलग अलग फेसेस होते हैं जिसको वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अकॉर्डिंग समझाते हैं। मैं समझाऊंगा भी इस चीज़ को आपके। फिर दूसरा होता है इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, यानी कि ये जो सपोर्ट इनकी जो थ्योरी है वो काफ़ी हद तक स्टेट और जो इकोनॉमी है, स्टेट में ये कहते हैं क्लास में स्ट्रगल है और इकोनॉमी की वजह से ही यहाँ पर जो पैसा है उस वजह से ही सारा सारा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वही हो रही हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव कम्युनिस्ट ईरा। ये समझाऊंगा मैं आपको चार के जरिए से, क्योंकि ये समझाने में लगा मुझे बहुत ज़्यादा टाइम, और बहुत ज़्यादा टाइम में क्या है आप भी जाएंगे बोर, पढ़ नहीं पाएंगे। पर अगर आपको ये अच्छे तरह से समझना है आपको बहुत अच्छी तरह से, तो मैंने बना रखी है इसकी वीडियोज़, का नाम है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और जो मटेरियल वाली है ये कहलाती है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, यानी कि जो मैटर है समान है, मतलब इसमें ये कहा जाता है कि पहले खेती होती थी तो खेती के टाइम में क्या था, एक इंसान था जो खेती करता था वो था मज़दूर, इसको स्लेव्स कहा गया, और जो खेती करवाता था वो था मास्टर। फिर यहाँ वक्त चेंज होता है, इस यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है वो आती है। फिर यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं वो वही के वही जो होते हैं थोड़े चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, एक मिनट, जो कंपनी का मालिक होता है वो जो फ्यूडल, सॉरी जो, फिर यहाँ पर सिस्टम आता है फ्यूडलिज्म का पहले, इसमें क्या होता है कि फ्यूडल होता है जो लॉर्ड होता है, फिर जो दूसरे होते हैं वो किसान होते हैं, मतलब जो मूड है वो बदलता रहता है। जो आज के टाइम में चल रहा है वो है बुजुर्गवा वर्ग जो कि अमीर है, और जो दूसरा है वो है बुर्गवा जो है प्रोलेटेरियट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है पहले खेती होती थी, अब क्या है उत्पादन होता है, सामान बनता है फैक्ट्रीज में, ठीक है। तो मैटर बदल गया मगर स्ट्रगल चलता रहता है, और जो मैटर है इस वजह से ही यहाँ पर सोसाइटी में चेंजेस आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कार्ल मार्क्स से प्रिमिटिव कम्युनिज्म में, मतलब प्रिमिटिव कम्युनिज्म वो टाइम है जब दुनिया में इंसान शिकार करता था और जंगल से फल सब्जी को इकट्ठा करके खाता पीता था, उसके अलावा कोई नहीं था, ना उनके पास गवर्नमेंट थी कोई, ना कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, सब मिल बांट के वो रहा करते थे, और कोई जैसे कि हम आगे समझते कि सेल्फिशनेस नहीं थी वहाँ पर, ब्रूटलनेस नहीं थी यहाँ पर, और इंसान पीसफुल रहता था वहाँ पर, बिकॉज एट द टाइम देयर वॉज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, द सोसाइटी एंड द सिस्टम ऑफ सोसाइटी वॉज सेल्फ ड्राइव विदाउट अ स्टेट। तो स्टेट कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर कि कोई लॉ बनाए यहाँ पर, मगर जब क्या होता है बार 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 धीरे करके टाइम बदलता है यहाँ पर, टाइम किस तरह बदलता है, चार्ट है मैं दिखा देता हूँ आपको, हाँ ये चार्ट आ गया है यहाँ पर। जैसे जैसे क्या होता है कि लोगों को समझ में आता है खेती कैसे की जाती है, जिसे हम कहते हैं एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन शुरू होता है यहाँ पर। कुछ लोग क्या करते हैं सोच जाते हैं कि खेती हो सकती है और उससे हमें अनाज मिल सकता है खाने पीने का आसानी से, जो हमें ढूंढना पड़ता है बार बार, तो वो लोग क्या करते हैं जंगल साफ करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर कर डालते हैं खेती करना शुरू। फिर जो ज़मीन होती है जब उन्होंने साफ हुई, ज़मीन जो हो गई वो उनका मालिकाना हक बन जाता है वहाँ पर, क्योंकि ज़मीन पर वो कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, ठीक है, पहली चीज़ हो जाती है। इससे यहाँ पर क्या होता है तो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसका जो थॉट्स है यहाँ पर, जो हम देखते हैं थ्योरी है एक तरह से यहाँ पर, जो अपना ही अलग एरिया थी प्राइवेट प्रॉपर्टी की यहाँ पर, राइट एक तरह से ये भी, तो वो एमज हो जाता है यहाँ पर, यानी कि जिन्होंने खेती शुरू कर दी उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिन्होंने नहीं करी उनके पास नहीं है। तो खेती जो है सारे लोग तो करेंगे नहीं, कुछ लोग करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है जो लोग खेती करते हैं वो धीरे क्या होता है मास्टर बन जाते हैं, और जो खेती नहीं करते जो दूसरा काम कुछ भी कर रहा है वो, चाहे बर्तन बना रहा हूँ, चाहे उतार बना रहा हूँ, चाहे शिकार कर रहा हूँ, चाहे फल ला रहा हूँ, मगर वो उनके गुलाम बन के रह जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं जो खेती कर रहे होते हैं वो अपने खाने को देने के लिए उन लोगों का शोषण शुरू कर डालते हैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टेज यहाँ तक पहुँच जाता है इस तरह से, यहाँ कम्युनिज्म था यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होता है जो खेती हो रही होती है उससे परेशान हो जाते हैं किसान जो स्लेव्स होते हैं, तो वो रिवोल्यूशन करते हैं, कार्ल मार्क्स तो बिलीव करते हैं रिवोल्यूशन में, और ये बिलीव करते हैं खूनी क्रांति के अंदर, यानी जो मालिक से उनको मार दिया जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर लोग अपने मालिक को मारते हैं। फिर एक एग्रीमेंट बनता है, कुछ टाइम बाद एक नया मॉड्यूल आता है यहाँ पर, मैटर चेंज होता है इस तरह से कि यहाँ पर चीज़ें और खेती तक ही होने लग जाती है यहाँ पर।
तो ये किसान हैं और ये जो आम बड़े अमीर लोग होते हैं इनके भी समझौता होता है परसेंटेज के बेस पे। जैसे मान लीजिए 50% जो है वो नो सॉरी 50% नहीं 60% जो होगा ज़मींदार का हो गया और 4% जो होगा वो खेती करने वाले का है। ये सिस्टम चल पड़ता है यहाँ पर। मगर कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो फ्यूडल होता है उसको आता है कि भाई लालच सेल्फिशनेस जग जाती है उसकी यहाँ पर, और वो सोचता है कि 60% की जगह मैं 70% कर लेता हूँ यहाँ पर। जब वो ये करता है तो इनका जो लोग होते हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। फिर वो उसकी जो सेल्फिशनेस है फ्यूडल की वो बढ़ती रहती है और आखिरकार यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है वो शुरू हो जाती है उस टाइम तक। फिर यहाँ पर जो लोग हैं वो रेवोल्यूशन फिर से क्रांति करते हैं और जो ये खेत होते हैं खेत खलिहान होते हैं इनको छोड़ के फैक्ट्रीज में पहुँच जाते हैं जो प्रेजेंट टाइम है कार्ल मार्क्स के हिसाब से। और यहाँ पर क्या होता है, जो फैक्ट्रीज के मालिक हैं वो कहलाते हैं बुजुर्गवा, और जो खेत फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो कहलाते हैं प्रोलेटेरिया, जो कि गरीब होते हैं। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई इस तरह सोसाइटी चल रही है। और जो स्टेट का रोल क्या था यहाँ पर, यानी कि स्टेट क्या है यहाँ पर, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ओरिजिनेशन हो रही है स्टेट की, डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ पर स्टेट सिर्फ इतना रोल प्ले कर रहा है कि वो जो अमीर हैं जो पैसे वाले धनी हैं वो उनकी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर जो गरीब हैं वो इस तरह का कानून बना रहा है कि जो गरीब हैं उनका शोषण किया जा सके आसानी से। खैर कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि स्टेट बदलेगा कुछ टाइम बाद, ऐसा वक्त भी आएगा, यानी कि वो ख्वाब देखते हैं बड़े बड़े कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जो गरीब तबका है इस बार से क्रांति करेगा और जो ये बड़े बड़े अमीर हैं मालिक कंपनी के इनको मार के ख़त्म कर देगा और यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी इसकी सोशलिज्म की। मगर यहाँ पे जो सारे अमीर होंगे वो ख़त्म नहीं होंगे, कुछ अमीर बाकी भी रहेंगे, मगर जो प्रोलेटेरियट हैं उनकी डिक्टेटरशिप यहाँ पर शुरू हो जाएगी। फिर जो ये अमीर हैं धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे और सिस्टम ऐसा कायम हो जाएगा यहाँ पर, स्टेब्लिश हो जाएगा जहाँ पर सब लोग बराबर होंगे अपनी नीड के हिसाब से, सबको पैसा मिलेगा ज़रूरत के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से नहीं मिलेगा यहाँ पर। फिर वो दोबारा से जो वक्त आया कम्युनिज्म का वो आखिरकार आ ही जाएगा। तो ये एक थ्योरी भी है इनकी कार्ल मार्क्स की मटेरियलिज्म की, यहाँ पर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी भी है यहाँ पर ये। और यहीं से बताते हैं डेवलपमेंट के बारे में, स्टेट के बारे में, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो स्टेट है वो डेवलप भी हो रहा है मगर वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है और स्टेट इसको ख़त्म नहीं कर पा रहा। और यहाँ ही पता चल जाता है कार्ल मार्क्स इस तरह से कहते हैं कि जो स्टेट है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, किसका, प्रोलेटेरियट का थ्रू मजदूर का वर्ग। यहाँ पर होप ये आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर अब देखते हैं हम इनके की फीचर्स क्या है या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर जो मैंने समझाया, इसको ब्रीफली देखते हैं हम और अच्छे से। स्टेट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेटेड क्लास, क्या है, जो क्लास डोमिनेट है ठीक है उसके लिए क्या है यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर जो दबाया जाता है जिसको उसके लिए ठीक है, तो दबाने का जो अमीर क्लास है उनको दबाने, जो सॉरी गरीब क्लास जो है उसको दबाने का ये एक सोर्स है, किन के हाथ में, अमीर लोगों के हाथ में। द क्लास रिच इन इकोनॉमिक पावर हु आर वेल्दी क्लास एंड ऑल्सो द पॉलिटिकली डोमिनेटेड क्लास, ये डोमिनेट क्लास जो है इनके अमीर जो तबका है वो क्या है, पावरफुल है यहाँ पर, और वो डोमिनेटेड क्लास होती है यहाँ पर क्योंकि पावर में ज़्यादा है वो, और जो क्लास है वो सबऑर्डिनेट क्लास होती है जो तबका है दबाव तबका है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या कहते हैं यहाँ पर, सो स्टेट इम्पोज्ड पावर सोसाइटी ओवर सोसाइटी, यहाँ पर ये ओवर है यहाँ पर ठीक है। तो स्टेट क्या करता है अपनी जो पावर को इम्पोज कर डालता है कि इनके ऊपर जो गरीब लोग होते हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये तो सपोर्टर हैं इनके, जो बोर्गस क्लास है वो सपोर्टर है किसकी, स्टेट की, और स्टेट सपोर्टर है इनका अमीर लोगों का। द स्टेट कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ रिसोर्स ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ होल सोसाइटी बिकॉज इट इज़ अ पपेट ऑफ हैंड इन रिच क्लास, यहाँ पर ये बात की जाती है इसके अंदर कि जो स्टेट है वो सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, सबको रिसोर्स नहीं मिल पाते यहाँ से, क्योंकि वो पपेट होता है, सिर्फ पिट्ठू होता है जो अमीर लोग होते हैं उनके हाथ में ठीक है, और वो जो एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी जो अपनी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के मारे। यहाँ पर मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट मेकिंग अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है जो मार्क्सिज्म है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सोसाइटी जो है ना वो नेचुरल है, वो मानते हैं कि सोसाइटी पहले से थी यहाँ पर, मगर स्टेट को नहीं मानते, वो स्टेट को तो ये मानते हैं टूल औजार, मतलब जो शोषण करता है गरीब लोगों का। इट वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय द इंटायर सोसाइटी फॉर बेनिफिट ऑफ एवरी वन, स्टेट डज नॉट क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, वो सोसाइटी मतलब सोसाइटी ने नहीं बनाया सब ने,
सिर्फ जो अमीर लोग हैं सिर्फ उन्होंने बनाया अपनी सेल्फिशनेस की वजह से। देयरफॉर द राइट दैट द स्टेट प्रोवाइड्स इन एनी कंट्री इन एरा आर द राइट ऑफ डोमिनेंट क्लास। इसलिए कहते हैं कि जो भी राइट्स आज के टाइम में जो दिखाया जा रहा है धोखा है कि हम अधिकार दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, वो सब क्या है, दिखावा है। वो सिर्फ राइट जो हैं अमीरों के लिए हैं और जो गरीब है उसका कोई सुनने वाला फिर भी नहीं है यहाँ पर। नो मैटर चाहे कितनी बड़ी आबादी हो, कितनी आप इक्वालिटी दे रहे हैं, चाहे कुछ भी कर लें, यहाँ पर आप फिर भी वही के वही रहेंगे। एक मिनट। फिर सेकंड पॉइंट जो है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, द स्टेट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। वही चीज़ को ये इस तरह से मैंने एक नए पॉइंट के अंदर लिखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को। थोड़ी आवाज़ ख़राब होती, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं यहाँ पर आपकी, वही सब चीज़ें मैंने समझाई हैं। अब मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वही चीज़ बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका क्रिटिसिज्म यहाँ पर, सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारा है कि इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है, ठीक है। पहला कि यहाँ पर क्या है कि द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं ये चीज़ें। इनएडुकेट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जो कि एक सही से अवधारणा नहीं बना पाता हिस्ट्री की जिस तरह से बताया गया है इसके अंदर। क्योंकि हम देखें जो स्टेट होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, जिस तरह से इन्होंने दिखाया इस तरह से डेवलप स्टेट नहीं होता, हालांकि इस तरह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, होता है कल का। चेंज इन हिस्ट्री, चेंजेस इन हिस्ट्री टेक प्लेस नॉट ओनली ड्यू टू इकोनॉमिक रीज़न। ये कहते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि इकोनॉमिक रीज़न चेंज होते हैं तो चेंजेस होते हैं यहाँ पर, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। बट ऑल्सो ह्यूमन बींग इम्पल्स सेंटिमेंटल इमोशन रिलीजियस पर्सनैलिटी। यहाँ पर इंसान के जो सेंटिमेंटल इम्पल्सन हैं, अपनी विचार हैं, धाराएँ हैं, धर्म हैं, जो उनके अपने रचनाएँ सोच, मतलब सोच जो है उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, चेंज होती है, तो स्टेट भी चेंज होता है यहाँ पर। द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल इज फॉल्स। क्लास स्ट्रगल क्या दिखाया है उन्होंने कि दो सोसाइटी के अंदर सिर्फ क्लासेज हैं यहाँ पर, मगर आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि दो नहीं तीन सोसाइटी के अंदर क्लासेज होती हैं। एक अमीर जो होती है, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, फिर उनके अंदर भी तीन तीन अपने होते हैं, हायर क्लास, लोअर, हायर क्लास, हायर मिडिल क्लास, हायर लोअर क्लास, मिडिल हायर क्लास, इस तरह से क्लासेज आज के टाइम में होती हैं यहाँ पर। जो कि ये कहते हैं कि जो लिबरल जो मानने वाले होते हैं कहते हैं कि सिर्फ ये प्रोपोगेंडा है बदनाम करने के लिए लिबरल स्टेट को यहाँ पर। तो ये थ्योरी थी हमारी कार्ल मार्क्स की, किस बारे में, स्टेट के बारे में, फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन क्या करता है, क्या समझा आपने यहाँ पर कि स्टेट फंक्शन करता है एज अ टूल ऑफ डोमिनेटेड क्लास, ठीक है। और नेचर कैसा है कि वो डोमिनेट क्या है, स्टेट का नेचर किस तरह से है कि वो एक तरह का पिट्ठू है, पपेट है किसके हाथ में, अमीर लोगों के, और वो सिर्फ कि सिर्फ जो एक्सप्लॉइटर है यहाँ पर गरीब लोगों का। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं हम, और ये यूनिट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू सून एंड टेक केयर, बाय।